Assalamualaikum friends, कैसे हो आप सब? I hope you guys are doing good. आज मैं एक foundation लेकर आई हूँ जो Lakme Perfecting Liquid Foundation है और इसका review आज मैं दूँगी और मेरा experience share करूँगी. Start करने से पहले मेरे channel को subscribe कर दीजिए. अगर आपको ये video पसंद आया तो like, comment और share कर दीजिए. तो ये है Lakme Perfecting Liquid Foundation है और ये natural marble है. ये वीटी स्किन टू फेयर स्किन है. इसका रेट 150 रुपी है और ये इसका नेट वेट 27 ml है. इसके बहुत सारे शेड अवेलेबल हैं. जो आपका टोन को मैच करता है वो हिसाब से आप ले लीजिए. कोई भी स्टोर पर मिल जाता है ये, और ऑनलाइन पर भी मिलता है. आप कहीं से भी ले लीजिए. और इसका रेट 150 रुपी है और इसका मैन्युफैक्चर डेट भी इसमें मेंशन किया गया है. एक्सपायरी डेट भी मेंशन किया गया है. 2.5 साल तक का इसका एक्सपायरी डेट फिक्स किया गया है. आप देख सकते हैं. और इसमें क्या लिखा गया है देखते हैं. ये परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन ब्लेंड ईजिली इन टू योर स्किन टू क्रिएट सॉफ्ट ग्लोइंग फीचर लाइट फिनिश ऑयल फ्री विद विटामिन ई वाटर रेसिस्टेंट है. मैं इसके इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं किए गए हैं. बॉटल पर कहीं पर भी इसके इंग्रेडिएंट मेंशन नहीं किए गए हैं. आप देख सकते हैं. और इसका शेड और कंसिस्टेंसी देखते हैं. और इसमें पंप नहीं है. आपको इसे ड्रॉप करके यूज़ करना है. यही है वो बॉटल. ड्रॉप करके यूज़ करना है. और इसको हाथों में भी ब्लेंड कर सकते हैं या ब्यूटी ब्लेंडर से ही ब्लेंड कर सकते हैं या ब्रश से भी ब्लेंड कर सकते हैं. देखिए इसकी कंसिस्टेंसी लिक्विड ही है. बहुत ज़्यादा ये लो टू मीडियम कवरेज का है. ये लिक्विड है इसलिए ये ज़्यादा फुल कवरेज का फाउंडेशन नहीं है. अगर आप जल्दी से ब्लेंड नहीं करेंगे तो ये जल्द से ड्राई हो जाता है और आपका फेस पैची हो जाता है. ये मैंने नोटिस किया था. ये मेरा एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर रही हूँ. लेकिन ये थोड़ा ड्राई फील कराता है आपके फेस पर. जल्द से जल्द इसको ब्लेंड करना है वरना ये ड्राई ज़रूर कर देगा. आप देख सकते हैं मैंने ये इसे हाथों में ही ब्लेंड कर दिया है. ये ब्लेंड हो गया है. बट आपको जब फेस पर यूज़ करते हैं तो ये जल्दी से ब्लेंड नहीं होता है. जल्द से जल्द आप जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको ये ब्लेंड करना है. ये एक बार लगाएंगे तो लो कवरेज देता है. अगर आपको मीडियम कवरेज चाहिए तो दोबारा दो टाइम यूज़ कर सकते हैं. दोबारा अप्लाई कर सकते हैं. अगर दोबारा अप्लाई करेंगे तो ये मीडियम कवरेज लो टू मीडियम कवरेज देता है. देखिए डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. उस तरफ तो मैंने फाउंडेशन नहीं लगाया, इस तरफ फाउंडेशन लगाया. थोड़ा सा कवरेज है, नॉट बैड. देखिए अगर आपको ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हैं तो इसे, टीनेज गर्ल हैं तो इसे यूज़ कर सकते हैं. हम सब क्या करते हैं, हम अगर फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो हमें रोज़ रोज़ तो नहीं यूज़ करते हैं. कहीं जाएंगे, कहीं फेस्टिवल पर जाते हैं या किसी फंक्शन पर जाते हैं, मैरिज पर जाते हैं तो ही हम फुल कवरेज फाउंडेशन यूज़ करते हैं. अदरवाइज़ इस तरह के लो या मीडियम कवरेज ही काफ़ी है. देखिए मैंने दोबारा अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि इसके बाद ये अप्लाई करने पर आपका फेस पैची दिखता है या नहीं. मैं डैबिंग मोशन में कर रही हूँ. इस बार ये इजीली ब्लेंड हो गया, देख सकते हैं. जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो जल्द से जल्द, अगर आप स्प्रेड करेंगे तो ही जल्द से जल्द ये ड्राई होगा, वरना चेहरे पर पैची ही दिखता है. आपको भी फील होगा जब आप इसे यूज़ करेंगे. इसमें बहुत सारे शेड आते हैं. जो आपके स्किन को मैच करता है वही लीजिए. अगर डार्क ले लेंगे तो आपका स्किन डार्क लगेगा. अगर लाइट ले लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. कोई डार्क फाउंडेशन आपके पास है तो इसे मिक्स कर सकते हैं या कोई कॉन्टोर भी इसके साथ मिलाकर यूज़ कर सकते हैं. देखिए इसका डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा. मैंने तो इस बार हाथों से ब्लेंड किया था. अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से आपको स्प्रेड करके बताती हूँ. डैबिंग मोशन में फिर से अप्लाई करके बताती हूँ कि ब्यूटी ब्लेंडर से कैसे वर्क करता है. देखिए मैंने डैबिंग मोशन में ही किया है
और ये अच्छे से सेट हो रहा है। वैसे तो फील नहीं किया है बट आपके फेस पर जब अप्लाई करते हैं तो ध्यान रखिए ये सब। तो मैंने तो अप्लाई कर दिया, कहीं पर भी पैची फील नहीं हुआ, बस स्प्रेड हो गया, अच्छी तरह से क्लीन है, डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये फाउंडेशन आप अपने हाथ से भी ब्लेंड कर सकते हैं, ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, या अदरवाइज ब्यूटी अगर आपके पास ब्रश हो तो ब्रश से भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो और इसका हॉनेस्ट रिव्यू, और मैंने आपके लिए डेमो भी दिखा दिया है लैक्मी परफेक्टिंग लिक्विड फाउंडेशन पर। तो आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टिल देन बाय गाइस।